तरीके से जिस तरीके से हम लोगों ने नारे लगाए उनकी समझ में आया, तो उन्होंने बातचीत कर दिया कि बातचीत से मिलेगा। आज उनका कुछ प्रोग्राम भी है, क्योंकि चेयरमैन साहब भी आए थे, जो बात हुई है अभी तो हमने लिखित दिया था, उनको परसों लिखित दिया था कि प्रोग्राम करने को आए, तो इसलिए ये एक लीगल प्रक्रिया हुई जिसमें इतने लोग इकट्ठा हो, प्रशासन ने बात सुनी। और अगर एक हफ्ते के अंदर हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो अब की हम उन्हें बताएंगे नहीं, सीधा बस अड्डे को बंद कर देंगे। सुन लो मेरी बात, अगर रोड नहीं खोले जाते हैं और अगर ये वसूली, पहली बात तो जितने भी यहाँ